है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा आज हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो स्ट्रेट लाइन में कुछ टर्म है, इंक्लिनेशन है, स्लोप है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं इंक्लिनेशन की, अभी हम बात करने जा रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि बेटा ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है। एक लाइन है इस तरीके से, इस लाइन का हमने नाम दे दिया ए बी। ये क्या कर रही है कि जो x एक्सिस है, इधर ये x एक्सिस है, इसका ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं, देखो x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, यानी जो वॉच यानी घड़ी की सुइयां जैसे चलती ना, उसके अपोजिट यानी इधर साइड में जितना भी एंगल सस्टेन करती है इसको पढ़ते हैं हम इनक्लिनेशन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इनक्लिनेशन। यहाँ लिख देते हैं इनक्लिनेशन। हमने क्या आपको बात बताई, एक लाइन ए बी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी यानी अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी एंगल सस्टेन करती है उसको पढ़ते हैं हम इनक्लिनेशन। इनक्लिनेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम क्या करें, इस थीटा का टैन ले लें, क्या ले लें हम, टैन ले लें, यानी आपके पास थीटा था, इसका हमने टैन निकाल लिया, तो इसको हम पढ़ते हैं स्लोप। क्या पढ़ेंगे इसको? स्लोप पढ़ेंगे या ग्रेडियंट, इसके दो नाम हो सकते हैं, स्लोप पढ़िए या ग्रेडियंट। हो सकता है आपसे आप कह दें कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन जो है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और आपसे कहेगा कि इसका स्लोप निकालो, तो हमको इंक्लिनेशन पता है, तो हमको स्लोप या ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होगा, इसी का टैन ले लेंगे। तो टैन 30 और टैन 30 की वैल्यू आपने पहले याद कर ली है 1/√3। तो अब यहाँ पे एंगल बदलते जाएंगे, कभी 90 होगा कभी 0 होगा, ये एंगल के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी कुछ फॉर्मूले हम लिख रहे हैं। एक हमारे पास पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। पॉइंट का मतलब क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब कह रहा है साहब इसका स्लोप निकालो, अभी एंगल दे रखा था तब स्लोप निकाल रहे थे, अब जब पॉइंट दे रखा होगा तब फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेट कर लेते हैं, जैसे आपको पॉइंट दे रखा 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे मान लेते हैं, आपसे कहेगा इसका स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, तो m इज इक्वल टू y2 मतलब 4, y1 2 अपॉन x2 3 माइनस x1, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये तो एक जब पॉइंट दे रखे हों, ठीक है ना, तब आप स्लोप निकालेंगे। अच्छा, कभी कभी हम लेट कर लेते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कहेगा इसका स्लोप निकालो, तो ये 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, आपसे कहेगा इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। तब आप फॉर्मूला क्या लिखाएंगे, माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y। x का कोफिशियंट कितना है यहाँ पे देखो, 2, लेकिन साइन में माइनस लगेगा फॉर्मूले में। y का कोफिशियंट कितना है, 3, तो आपका आंसर आ जाएगा -2/3। तो आपके पास स्लोप निकालने के क्या फॉर्मूले हो गए, अगर एंगल दे रखा हो तब इससे निकालोगे, पॉइंट दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले से निकालोगे, और अगर आपको इस टाइप्स की इक्वेशन दे रखी हो स्ट्रेट लाइन की, तब आप माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई फॉर्मूला लगाओगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, थोड़ा इरेज करेंगे हम, एक मिनट है ना, एक मिनट होल्ड करिएगा, इरेज करते हैं इसको, अब इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे क्या दो लाइन परपेंडिकुलर हों, इसकी शर्त क्या है, दो लाइनें पैरेलल होंगी इसकी शर्त क्या है, क्योंकि स्लोप अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों, इसकी शर्त क्या है, तो इसकी शर्त ये है कि हमने पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे यानी ए बी लाइन का स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप निकालें अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए -1, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। हम मान के चल रहे हैं एक लाइन है 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक है 3x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछेगा क्या ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे, फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे, हम दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर रिजल्ट -1 आ गया तब तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। चलो पहली लाइन का स्लोप m1, अभी हमने सिखाया था माइनस कोफिशियंट ऑफ x, x का कोफिशियंट कितना 2, लेकिन माइनस y का कोफिशियंट कितना 4, तो ये तो आ गया -1/2। कट करोगे ऐसे m2 निकालो जरा, माइनस कोफिशियंट ऑफ x तो -3, y का कोफिशियंट कितना है कुछ नहीं है तो फिर 1 लेंगे, लेकिन माइनस लगा हो तो -3, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करो, -1/2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कभी -1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है। दो लाइनें हम लेट करके चल रहे हैं, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है। कह रहा क्या है, दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल होंगी, इसकी शर्त क्या है, तो जब लाइन पैरेलल हो तो उसके लिए स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। याद रखना बेटा, अगर दो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप्स इक्वल होनी चाहिए, सेम सवाल में आ जाएंगे। बस वहाँ ये डिजिट्स चेंज होगी, कहेगा क्या दो लाइनें ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। जैसे अभी निकाला, इसका स्लोप निकाला, हम देख रहे हैं दोनों के स्लोप इक्वल ही नहीं आ रहे, क्योंकि हम ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे इमेजनरी ले रहे हैं। जब आप बुक के क्वेश्चन उठाओगे तो कहीं ना कहीं स्लोप्स, अगर वो कह रहा होगा प्रूव दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल, तो सर्टेनली वहाँ पे स्लोप्स इक्वल आ रहे होंगे, या कह रहा होगा कि परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ पे स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा होगा। ठीक है, बुक से आप लोग क्वेश्चन देख के आसानी से कर सकते हैं, केवल हम उसका एक मैकेनिज्म या एक तरीका बता रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन करेगा कि तीन, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, कहेगा ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं, इसकी शर्त क्या है। तो अगर तीन पॉइंट कोलीनियर हैं, तीन पॉइंट क्या है कोलीनियर, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। याद रखना है, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर इक्वल हैं तो लाइनें कैसी होंगी, कोलीनियर होंगी। जैसे आपसे कह दे ए का पॉइंट 1, 2 है, दूसरा पॉइंट 2, 3 है, और चौथा है 4 और 5, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, बी और सी का स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप अभी सिखाया था y2 - y1 से, याद करो y2 - y1 / x2 - x1, तो ये बी का आया। बी सी की बात करेंगे तो y2 - y1 / x2 - x1। ठीक, तो ये कोलिनियरिटी चेक, मतलब कोलिनियर होंगे इसका, आपको ये भी आपने पॉइंट सीख लिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हम किसकी बात करेंगे, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो हम समझ सकते हैं कि एंगल निकालने के पहले कुछ और दूसरी चीज़ें सीख लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और स्लोप है m, स्लोप इज m, पॉइंट दे रखा है x1 y1, स्लोप दे रखा है m, तो अगर साहब स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बताओ, ये फार्मूला है, आर्टिकल है, स्लोप स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो फार्मूला लगाएंगे y - y1 = m y2 - y1। याद रखना x - x1, ये फार्मूला हमारा रहेगा, कब, जब स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दे रखा हो। कह रहा है कि साहब पॉइंट है 1, 2, स्लोप है 3, पॉइंट क्या है 1, 2, स्लोप है 3, तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा y - y1 की जगह 2, m की जगह 3, x1 की जगह 1। इसको अपना सॉल्व कर लो, एक्स वाई में रिलेशन बना लो, ये आपका आ जाएगा कब, जब आपको आपके पास पॉइंट गिवेन हो और स्लोप गिवेन हो। अब हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट है। ठीक, कह रहा साहब दो पॉइंट गिवन है, उससे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जब एक पॉइंट था तो हमने भी ये बताया फॉर्मूला, अब दो पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 x - x1। बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन इसको छोटा बनाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, y - y1 = m, पिछले सवाल में ये बात करी थी, अगर एक पॉइंट दे रखा हो y - y1 = mx - x1, और m का फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, वो होता है y2 - y1 / x2 - x1, लिखा तो वही है। ठीक, सवाल कैसे बनेंगे वो समझ लो, हो सकता है आपके पास पॉइंट दे रखा हो 1, 2, 3, 4, अब कह रहा साहब स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y - y1 / y1 कितना है 2 = y2, फॉर्मूले में लगा रहे हैं y2 - y1 x2 - x1 x - x1। क्या हमें बताना पड़ेगा, अब तो हमें नहीं बताना पड़ेगा, y - 2 = 2/2
एक्स माइनस वन ये कैंसिल हो गया, सो वाई माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अपना सारे टर्म्स को एक तरफ कर लो, एक्स वाई की इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये तो एक आसानी से हम लोगों ने चीज़ सीख ली। अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, अब हम बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, एक ये लाइन है ठीक, इसने एक्स एक्सिस को कट किया है इस पॉइंट पे, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए, ए कामा जीरो यहाँ पे कट करे ना, वाई पे तो कट नहीं कर पा रहे, तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, ए पे कट करे तो ए का हमने ये लिख लिया। इस पॉइंट पे कट कर रही तो एक्स पे तो कट नहीं कर पा रही, तो एक्स का जीरो हो गया, इसका क्या हो गया बी। अरे भाई ए पार्ट एक्स एक्सिस का, बी पार्ट वाई एक्सिस का, तो अगर ऐसी और जहाँ भी ए और बी क्या है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कौन सा होता है, एक्स एक्सिस में इतने इतना हिस्सा काटा और वाई एक्सिस में से बी पार्ट काटा, तो ऐसी इक्वेशन क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। आपसे कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस में उसने टू पार्ट टू यूनिट कट किया है, वाई एक्सिस में उसने थ्री यूनिट कट किया है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो फॉर्मूला हमको पता ही है, एक्स अपॉन ए यानी एक्स एक्सिस में टू है, वाई एक्सिस में थ्री है, तो आ गया आपके पास, अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू वन, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू सिक्स, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी को क्या कर देते हैं, अब हमको केवल दे रखी होगी इक्वेशन, जो हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया था, वो आया था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू सिक्स का, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस में कितना पार्ट कट कर रही है, यानी x एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट कर रही है और y एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट कर रही है, हमको ये बताना है। तो हमें ये बताने के लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो a और b निकाल पाएंगे कि हाँ x एक्सिस में तीन पार्ट है, y एक्सिस में दो पार्ट है। आप यहाँ देख रहे हैं वन है, तो वन लाने के लिए यहाँ पे पूरी इक्वेशन को सिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3x अपॉन 6 टू वाई अपॉन सिक्स, सिक्स अपॉन सिक्स ये कट किया, सो एक्स अपॉन टू वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन। इससे कंपेयर करो, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू थ्री, इसका मतलब एक्स एक्सिस में इसने टू यूनिट कट किया और वाई एक्सिस में थ्री यूनिट। तो कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, इंटरसेप्ट इक्वेशन पूछेगा या इंटरसेप्ट दे रखी होगी, मतलब इक्वेशन दे रखी होगी और इंटरसेप्ट फॉर्म पूछेगा, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं।